है गाइस, व्हाट्स अप गाइस। आज के टाइम में पीसी एंड लैपटॉप मोबाइल में शेयरिंग चालू रहता है, बट ऐसे और भी कई सारे यूज़र्स हैं जिन्हें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मोबाइल से लैपटॉप में या फिर लैपटॉप से मोबाइल में फाइल्स, एप्लीकेशन या फिर वीडियोस, ऑडियोस को कैसे ट्रांसफ़र करें। बिकॉज़ जो न्यू यूज़र होते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, उन्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है शेयरिंग का लैपटॉप से मोबाइल में या फिर मोबाइल से लैपटॉप में, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता है। और काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, बट वो एक तरह से जेन्युइन वे नहीं होता है, थोड़ा हार्ड होता है, जो कभी करने में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा सिंपल टिप्स बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप इजीली मोबाइल से लैपटॉप में या कोई भी वीडियोस या एप्लीकेशन या फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, या तो लैपटॉप से मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन या लैपटॉप को शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू ट्रांसफ़र फाइल between laptop to mobile or mobile to laptop, whatever it is. So let's begin it. So सबसे पहले step, कुछ आपको steps है आप follow करने पड़ेंगे। First of all, file transfer करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो है ये। It is an USB cable. ये एक mobile USB cable है जो mobile के साथ में आता है, और ये मेरा mobile है Infinix का जिसका ये USB केबल है। तो आपके पास नॉर्मली कोई भी USB केबल होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये है इसको एक आपको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ज़रा इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अभी ये जो केबल है इसको मोबाइल से कनेक्ट करना है, तो इसको मैं लैपटॉप मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा तो मोबाइल में यहाँ पे कुछ पॉपअप होगा, प्लस जो लैपटॉप है लैपटॉप में भी आपको कुछ वहाँ पे पॉपअप करेगा। सो आई शो यू। सो ये है लैपटॉप और यहाँ पे आपको कुछ पॉपअप करेगा जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूँगा मोबाइल से। सो लेट्स कनेक्ट इट। सो यहाँ पे कनेक्ट हुआ। यहाँ पे जैसे कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जैसे पॉपअप होगा, USB डीबगिंग कनेक्टेड, और नीचे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा USB चार्जिंग दिस डिवाइस। तो यहाँ पे आपको सिंपली टैप करना है। तो जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ट्रांसफ़र फाइल, सिंपली आपको इस पर ओपन कर, जैसे ही उस पर क्लिक करेगा ट्रांसफ़र फाइल पे आपको लैपटॉप पे यहाँ पे शो करेगा। आई जस्ट जूम दिस। ओके, नॉट इशू। यहाँ पे पॉपअप हो गया, तो यहाँ पे वो मुझे मैसेज आ गया था। अभी आगे का प्रोसेसर क्या है आई शो यू। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ओके, आई जस्ट टेक यू डेयर। तो यहाँ पे आपको दिस पीसी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आला। सॉरी, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक डिस पीसी का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली उस पर, यानी कि माय कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या आप तो लैपटॉप में, ये वाला ऑप्शन सिंपली पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मोबाइल मैंने कनेक्ट किया है मेरे लैपटॉप से वो मुझे यहाँ पे सिंपली शो करेगा। यस, तो ओके, तो ये है मेरा मोबाइल जिसको मैंने Infinix Hot S3X जिसको मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया है वो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। एंड ये है मेरे लैपटॉप का स्टोरेज। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको लैपटॉप से मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे डेस्कटॉप, फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप में जाना है। डेस्कटॉप में आपको जो वीडियोस आपके कंप्यूटर में है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक रंगीन वीडियो है, रेड वाला, ये इसको मैं लैपटॉप से मोबाइल में ट्रांसफ़र करूँगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट माउस का जो राइट का बटन है उसे क्लिक करना है। राइट के बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली अगर आप चाहो तो इसको मूव भी कर सकते हैं या तो कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे, मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कॉपी करूँगा उसके बाद जो मेरा मोबाइल यहाँ पे कनेक्टेड है Infinix Hot S3X इस पर मैं क्लिक करूँगा। देन उसके बाद स्टोरेज पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद ये सारे फाइल्स है, जो ये सारे मेरे मोबाइल के फाइल्स हैं। यस,
तो ये सारे मेरे मोबाइल के पूरे फोल्डर्स हैं। तो सिंपली मैं इजी समझ में यहाँ पे मैं सिंपली जो व्हाट्सअप है मेरा उस पर मैं क्लिक करता हूँ। व्हाट्सअप के फोल्डर मेरे मोबाइल में जो व्हाट्सअप का फोल्डर है उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद मीडिया पे क्लिक करता हूँ। तो मीडिया पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। मीडिया पे क्लिक करने के बाद जो व्हाट्सअप वीडियो का ऑप्शन है ये राइट वाला, इस पर मैं सिंपली टैप करता हूँ और यहाँ पर उस फाइल को पेस्ट कर देता हूँ जो लैपटॉप से मोबाइल में ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे यहाँ पे पेस्ट करने के लिए सिंपली जो माउस का राइट वाला बटन है उस पर एक बार टैप कर लीजिए और यहाँ पे नीचे आपको एक सोके मैं यहाँ पे टॉप में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, पेस्ट कर दीजिए। तो ये अभी फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है, ये अभी लैपटॉप से मोबाइल में ट्रांसफ़र हो रहा है। सो लेट्स वेट टिल दैट। और यहाँ पे मैं आपको पहले स्टोरेज दिखा दूँ कि स्टोरेज कितना है। तो देख लीजिए मेरे मोबाइल में जो स्टोरेज है ये अभी 126 है, 126 GB यहाँ पे फ्री है। जैसे ये फाइल कंप्लीट होगा तो ये स्टोरेज, ये जो स्टोरेज है ये यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि कम हो गया मतलब ये फाइल इसमें आ गया है। तो जस्ट वेट, तो ये फाइल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है और यहाँ पे मोर स्टोरेज है अभी सेम। अभी मैं ज़रा एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यू कैन सी दैट ये फाइल स्टोरेज यहाँ पे कम हो गया, 795 आ गया है। और तो यानी कि ये मेरे मोबाइल में आ चुका है। सो आई शो यू। ओके, तो सिंपली मैं MX प्लेयर में जाता हूँ, MX प्लेयर में, और जो लैपटॉप में जो वीडियो था वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो सिंपली फाइल ट्रांसफ़र हो चुका है। सो यहाँ पे मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ये है वो वीडियो। ओके, तो इसका स्टार्टिंग में ऐसा आपको शो करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ तो ये है वो वीडियो। और यहाँ पे मैं सिंपली ओपन करता हूँ ES फाइल एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे जैसे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपको वीडियो शो करेगा। तो यहाँ पे मैं WhatsApp में मैंने ट्रांसफ़र किया है WhatsApp के फोल्डर में। तो यहाँ पे मैं सिंपली पहले WhatsApp ओपन करता हूँ। तो WhatsApp मैंने सिंपली यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे WhatsApp है। WhatsApp के फोल्डर में मैंने फाइल को शेयर किया था वीडियो का, तो सिंपली मैं इस पर टैप करूँगा। मीडिया के फोल्डर में मैंने शेयर किया था, यहाँ पे टैप करूँगा। और इसके बाद वीडियो में यहाँ पे WhatsApp वीडियो में मैंने फोल्डर को शेयर किया था, सिंपली टैप करूँगा। और यहाँ पे मैंने सेंड किया था, तो यहाँ पे ये सेंड का ऑप्शन आया, सिंपली इस पर टैप करूँगा। और ये रहा वो वीडियो, इसका मैं डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ कि कभी ये आया यहाँ पे। ओके, लेट्स गो टू द प्रॉपर्टी, यहाँ पे शायद शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मैं इस पर टैप करूँगा ये यहाँ पे वीडियो, ये रहा वो वीडियो। दोनों में स्टार्टिंग में रेड था और ये रहा वो रेड वीडियो, ये है वो वीडियो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइमर देख लीजिए, यहाँ पे सिंपली मैं इसका टाइमर दिखा देता हूँ, 6:12 का टाइमर है ये। और यहाँ पे इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको सेम दिखेगा, ये रहा उसका टाइमर 6 वाला। तो बस ये था सिंपल वे जिसके तो यूज़ करके आप इजीली मोबाइल से लैपटॉप में या तो लैपटॉप से मोबाइल में इजीली फाइल को शेयर कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरह से आप वीडियोस, एप्लीकेशन, ऑडियोस, फाइल्स किसको भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे आपको USB केबल की नीड होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।